नमस्कार। LIC का IPO जिसको मदर ऑफ ऑल IPO बोला जा रहा है, क्योंकि ये बिगेस्ट एवर IPO है इंडियन हिस्ट्री में। इतना बड़ा IPO, इतना रकम का IPO कभी नहीं आया था। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है बहुत ही अच्छा इसका लिस्टिंग होगा। तो आप एक ही हफ्ते में, जब एलोकेशन के बाद, आप बिल्कुल यहाँ पर डबल पैसा कमाने का एक भरपूर आपका पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन स्टेप्स सिक्योरिटीज़, आप अगर पॉलिसी होल्डर है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप अगर पॉलिसी होल्डर नहीं है एज रेगुलर यूज़र है तो भी आप कैसे यूज़ करेंगे, और अगर आप एक एम्प्लॉय है LIC का तो भी आप कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। कैसे अप्लाई करना है पूरा एंड टू एंड आपको मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल में है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, फर्स्ट में जब आप लॉगिन करेंगे स्टेप्सी सिक्योरिटीज़ में, तो आपको एक ऐसा एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा स्टेप्सी सिक्योरिटीज़ का। और यहाँ पे IPO एक ऑप्शन है, IPO एक सेक्शन है। तो IPO सेक्शन में आप जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आप IPO सेक्शन में इसको क्लिक करना है। तो IPO में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा LIC का। एक है जनरल ऑप्शन, LIC ऑफ इंडिया IPO जनरल ऑप्शन, जहाँ पे आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा है LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी होल्डर, जिसके पास LIC का पॉलिसी है एंड ऑलरेडी पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है, दे आर एलिजिबल फॉर 60 रुपीज़ डिस्काउंट। 60 रुपीज़ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इफ़ यू आर पॉलिसी होल्डर, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है LIC ऑफ इंडिया एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई लोगों को भी नॉर्मल इसको डिस्काउंट मिलेगा 45 रुपीज़ करके पर शेयर में, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि LIC का जो शेयर है, जो IPO है, उसका टोटल आप मैक्सिमम एलिजिबल हो 2 लाख एप्लीकेशन के लिए अमाउंट। इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, 2 लाख सबसे ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हो, और मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सरल भाषा में आप अगर पूछोगे तो एक एक लॉट में आता है 15 शेयर्स, ठीक है। तो ऐसे आप 14 शेयर्स लॉट के लिए आप अप्लाई करोगे, जिसका क्वांटिटी होता है 210 शेयर्स, एंड 210 शेयर्स का प्राइस होता है लगभग 2 लाख अमाउंट, ठीक है। और एक लॉट के लिए करीब 13,000 आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, 13,500, ठीक है। तो 2 लाख मैक्सिमम हो गया और मिनिमम हो गया 13,500। मिनिमम है 1 लॉट और मैक्सिमम है 14 लॉट, ठीक है, क्लियर। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पे अप्लाई बटन है और है क्या क्विक अप्लाई, दोनों देखिए सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एक बटन पर क्लिक करके आप अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे अप्लाई बटन पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एक जनरल ऑप्शन इस टैब में लेके आएगा, जहाँ पे आपको IPO एप्लीकेशन, आपका DPI अकाउंट नंबर पूरा दिखाएगा, और यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शन देगा दिखाई देगा। एक तो एक है आपका बैंक अकाउंट, जिसमें आपको होल्ड करने का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, होल्डिंग नेसेसरी, होल्डिंग करना पड़ेगा जितना अमाउंट आप एप्लीकेशन करोगे। सेकेंड ऑप्शन है, आप UPI के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर UPI है, PayTM है, या फिर बैंक का कोई UPI है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB, SBI, जो भी है आपका UPI ID, आप उस UPI ID को यहाँ पे आप डाल के इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास UPI ID नहीं है तो आपका जो लिंक्ड बैंक है, उस लिंक बैंक तब आप इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ASBA को। तो ASBA को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, आपका जो लिंक्ड बैंक है, उस लिंक्ड बैंक से आपका पूरा पैसा होल्ड हो जाएगा, ठीक है, काटेगा नहीं। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा आपका पैसा काटेगा नहीं, ये होल्ड में चला जाएगा, सो दैट आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्लेस हो सके, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, आपका यहाँ पे डिस्काउंट मिला के आपको ये प्राइस दिखाई देगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ प्राइस अप्लाइड, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, आपको इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये प्राइस जो दिखा रहा है ये एक लॉट के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लॉट 15 शेयर्स। तो ये जो प्राइस है, टोटल प्राइस 13,560 रुपीज़, ये आपको पे करना पड़ेगा।
ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आई एग्री टू अबाइड ये ऑप्शन जो है इसको आप चेक करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शंस है इसको आप चेक कर दीजिएगा, और 13,560 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। आप जब भी इसको आई एग्री टू अबाइड बाई टर्म्स एंड कंडीशन कन्फर्म करेंगे UPI ID से आपका पैसा कटेगा, बट आपको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, UPI में जाके उस प्राइस को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके होगा। अगर आपने UPI को नहीं सिलेक्ट किया है, आपको ASPO को सिलेक्ट किया है जिसका जो आपका जो लिंक्ड बैंक जहाँ से होल्ड होगा पैसा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इतना प्राइस आपका बैंक में होना चाहिए, तो आपको इतना प्राइस होल्ड करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आई एग्री ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको चेक करके आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है जो जो प्राइस है दिखा रहा है वो आफ्टर 45 डिस्काउंट, यहाँ पे देखिए 45 डिस्काउंट दे के ही ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 13,560। अभी हम लोग देखेंगे फॉर पॉलिसी होल्डर के लिए, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर के लिए क्या हमारे जो स्टेप्स है वो क्या है, यहाँ पे देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो है पॉलिसी होल्डर्स, LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी होल्डर्स। LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी होल्डर्स के लिए पैन कार्ड के साथ पॉलिसी होल्डर का लिंक होना मैंडेटरी है, जिसका काम 28 फरवरी के पहले कर दिया गया है, ठीक है, सभी ने किया है, जिसके जिसके पास था उन्होंने एक नोटिफिकेशन आया था सब ने किया है। और इसके पहले मैं एक बात बता दूँ, ये 4 मई को ये जो IPO है चालू है और 9 मई को क्लोज़ हो जाएगा, तो आप ज़रूर ये डेट को नोट कर लीजिएगा, 9 मई के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर को भी इसी अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट पेज में क्या ऑप्शन है आपके पास वो दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी अप्लाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अप्लाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे फिर से मुझे एक सेम कैटेगरी ऑफ पेजेस में लेके आया, बट इस टाइम LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी होल्डर दिखा रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो प्राइस है नीचे में 60 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट देके जो पहले वाला जो प्राइस था उससे और भी ज़्यादा कम हो गया है। पिछले वाला जो प्राइस था वो 13,560 ऐसा कुछ था, अभी 13,335 रुपीज़, यानी आपको 60 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है पर पॉलिसी होल्डर। यहाँ पर भी सेम है, आप UPI से पेमेंट करें, ठीक है। अगर आपके पास UPI नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट से इसको चेक करके, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा, ये जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा। आपके यहाँ पे जो लिंक बैंक अकाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा, और आपको यहाँ पे सिर्फ अकाउंट होल्ड करना है, इसको सिर्फ चेक कर देना है आई एग्री पर। इसको चेक करते ही आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आपका जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल है। तो पॉलिसी होल्डर के लिए देखिए एक लॉट में आपको 13,335 रुपीज़ देना पड़ रहा है आफ्टर 60 रुपीज़ डिस्काउंट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके रखिए। और UPI अगर पेमेंट करेंगे तो UPI जो भी आपका UPI है वहाँ पर जाके आपको अप्रूव करना पड़ेगा ये पैसे को होल्ड करने के लिए। अगर आप पैसा होल्ड नहीं करेंगे, अगर आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे होल्डिंग का प्रोसेस जो पैसा लगता है सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो लेकिन सेंड नहीं होगा, ठीक है, एक्सचेंज को। तो वो ज़रूर आप याद रखें। और ये एक्चुअली प्योरली IPO जो होता है अलॉटमेंट वो पूरा लाख के ऊपर होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 9 मई तक आप अप्लाई करो, फिर उसके बाद एक रैंडम प्रोसेस होता है सेबी द्वारा जो प्रोसेस है फिक्स्ड, उसके जरिए आपको अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपका पैसा वापस होल्ड हटा दिया जाएगा, ठीक है। एंड आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो जो शेयर्स है जितना भी आपको मिला है शेयर्स उसका आपका डीमैट अकाउंट में शो होगा, ठीक है। और लिस्टिंग डे में अगर शो होता है अलॉटमेंट होता है लिस्टिंग डे 17 मई को आपका ज़िंदगी बल्ले बल्ले, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। एक हफ्ते में ही LIC का लिस्टिंग बहुत अच्छा होने का उम्मीद है। तो अभी देख लेते हैं एम्प्लॉय लोगों के लिए क्या प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे हम लोग लास्ट सेक्शन में आ गए जहाँ पे LIC ऑफ इंडिया एम्प्लॉय के लिए भी एक कैटेगरी रखा है जिसका यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। रूल सबके लिए सेम है, डेट सबके लिए सेम है, प्राइस यहाँ पे
सेम 45 रुपीज़ इसको डिस्काउंट मिलेगा और लॉट साइज सब कुछ सेम है। तो अभी हम लोग अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट हम लोग पेज में चले जाते हैं। चलो तो अभी अप्लाई बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर से सेम टाइप का पेज आ गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा एम्प्लॉई, और देखिए मैंने जैसे बताया था एम्प्लॉई के लिए भी 45 रुपीज़ डिस्काउंट है जो कि रेगुलर ट्रेडर के लिए है, ठीक है। ओनली पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपीज़ डिस्काउंट है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 45 डिस्काउंट देने के बाद एक लॉट साइज़ का प्राइस होता है 13,560 रुपीज़ जो कि आप यहां पे देख सकते हो। आप इसको आई एग्री करना है और कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। बाकी जो ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप UPI पेमेंट कर सकते हो, आप अपना लिंक बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, आप जो भी आपने आपका कन्वीनियंट वे है वो आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ASBA सिलेक्ट रहेगा, उसके साथ आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आप दिए हो लिंक्ड बैंक अकाउंट डीमैट के साथ, उससे बैंक आपका पैसा होल्ड हो जाएगा जब तक आपका अलॉटमेंट ना हो जाए, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, SMS दिया जाएगा फ्रॉम STFC एंड ऑल्सो फ्रॉम एक्सचेंज, एंड आपको एक ईमेल भी आएगा। आपके ईमेल में पूरा एप्लीकेशन नंबर होगा, आप पूरा एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक कर सकते हो। उसी एप्लीकेशन नंबर को आप जो अलॉटमेंट है वहाँ पे जाके चेक करना होता है एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो SMS और ईमेल को बहुत आपको केयरफुली चेक करना है। और आपको ये सक्सेसफुल तभी होगा जब आपका बैंक अकाउंट में पैसा होगा, ठीक है। पैसा जब तक होल्ड नहीं होगा आपका एप्लीकेशन लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है LIC IPO के बारे में, ओवरऑल कितना प्राइस हो सकता है, कितना इसका पॉसिबिलिटीज है ज़्यादा गेन का, और कितना ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप क्या पॉलिसी होल्डर है या फिर नॉर्मल यूज़र है या फिर एम्प्लॉई है, वो भी आप बता सकते हो कमेंट करके, सो दैट इट इज़ ए लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। आप पहली टाइम फर्स्ट टाइम चैनल में देख रहे हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही चैनल को आगे लेके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।